अधिकारियों की साठ गांठ और भ्रष्टाचार के चलते ग्राम पंचायत चिड़वा में पूर्व पंचायत के शासन काल में बिना हैंडपंप लगवाए भुगतान उठा लिया गया। गौरतलब है कि वर्तमान सरपंच जुबेर खान है और पूर्व पंचायत के शासन काल में जुबेर के चाचा की पत्नी वकीला सरपंच थी। दोनों ही शासन काल में पंचायत के कार्य करवाने एवं सभी तरह के विकास कार्य कराने के कर्ता धर्ता वर्तमान सरपंच के पिता है। इसकी ग्रामीणों द्वारा बार बार लिखित शिकायत देने और MPS सुनील गढ़ई के साधारण सभा में आवाज उठाने के बाद एक वर्ष पूर्व विकास अधिकारी ने जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी को बिना जांच किए विकास अधिकारी ने भंग कर दिया। इस मामले की पंचायत समिति सदस्य सुनील गढ़ई ने साधारण सभा में पुरजोर तरीके से उठाया गया और मामला मीडिया में छा जाने के बाद विकास अधिकारी ने एक माह पूर्व आनंद फानंद में फिर से कमेटी बना दी, लेकिन जांच कमेटी ने आज तक कोई जांच ही नहीं की। दूसरी तरफ 23 जनवरी को चिड़वा ग्राम पंचायत के खैरतला गांव के शमशान भूमि पर पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से ठेकेदार द्वारा शमशान घाट पर हैंडपंप लगाए जाने का जैसे ही ग्रामीणों को मालूम चला तो ग्रामीणों और MPS सुनील द्वारा SDM को लिखित शिकायत दी। SDM अमित कुमार वर्मा द्वारा तुरंत विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा को फोन कर जांच करने और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। MPS सुनील की लिखित शिकायत और SDM द्वारा दूरभाष पर दिए गए आदेश के बाद विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा मौके पर तो पहुंचे, लेकिन वह भी यह कहकर पल्ला झाड़ने लगे कि मुझे जानकारी नहीं है कि यह हैंडपंप वर्तमान पंचायत की तरफ से लग रहा है या पूर्व सरपंच लगवा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि आप जांच करने आए हैं और आपको ही नहीं मालूम कि इसे कौन लगवा रहा है, इसका भुगतान उठा लिया है या नहीं, तो आप क्या जांच करने आए हैं, तब विकास अधिकारी ने कहा कि मैं तो MPS की लिखित शिकायत और SDM के कहने पर आया हूं, लेकिन मीडिया को स्पष्ट नहीं बता सके और पल्ला झाड़ते रहे। ग्रामीणों के अनुसार गांव में केवल एक ही शमशान घाट है। MPS सुनील ने बताया कि यहां बिना हैंडपंप लगवाए ही पूर्व पंचायत के शासन काल में भुगतान उठाया जा चुका है। इधर सरपंच के पिता अहमद खान विकास अधिकारी और मीडिया बातों में उलझाने का प्रयास करते हुए कह रहे थे कि इस गांव में दो शमशान घाट है, ये नया स्वीकृत हैंडपंप लगवाया जा रहा है, जबकि वहीं मौजूद ग्रामीणों से शमशान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांव में एक ही शमशान भूमि है और यहां आज से पहले कोई हैंडपंप नहीं लगाया गया, आज ही हैंडपंप लगाया जा रहा है। गांव शेरपुर में एक बाइक पर दो पुराने हैंडपंप ले जाता दिखा, जब मौके पर जाकर देखा तो वहां पुराने बोर के पास उन्हें पटक कर चला गया। उन बोरों में ग्रामीणों के द्वारा निजी मोटर डालकर पानी चलाया जा रहा था। एक तरफ प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। दूसरा, इस तरह के कारनामे उजागर होने के बाद प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इस दौरान मौके पर विकास अधिकारी रामदयाल, पंचायत प्रचार अधिकारी हरि सिंह, सुनील गढ़ई, दिनेश, कमल वंशी, नेतराम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चिड़वा ग्राम पंचायत के गांव खैरतला में है। कुछ दिन पहले हमारे समाचार ने एक मुद्दा उठाया था कि यहां हैंडपंप पास तो कर दिए, उनका बजट उठा लिया, लेकिन वास्तविक स्थिति में हैंडपंप गांव में मौजूद ही नहीं है। आज 23 जनवरी 2023 हम ग्राम पंचायत चिड़वा के गांव खैरतला में आए हैं और यहां आप पीछे देखें शमशान की भूमि में एक हैंडपंप लगाने के लिए बोरवेल किया जा रहा है। यहां बोरवेल करने के लिए एक मजदूर मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। पंचायत चिड़वा के सरपंच के द्वारा खाना पूर्ति करने के लिए और अपने हैंडपंपों की संख्या को पूरी करने के लिए जांच कमेटी के आगे दिखाने के लिए आनन फानन में ही हैंडपंप लगवाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो कर्मचारी यहां पर बोरवेल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुद्रदार जी, कहां से आए हैं आप? अलवर पास। तो आपको किसके द्वारा यहाँ हैंडपंप लगाने के लिए कहा गया है? सर, महेंद्र सिंह है, रामगढ़ का सैनी, उसी के ठेकेदार है वे, बोल के उसी ने भेजे। कितनी तारीख की बात है जब आपको हैंडपंप के लिए कहा गया है? तो हमको बोला था 20 तारीख को, 20 जनवरी 2023। हाँ। को आपको कहा गया था? हाँ जी। ये आपको मौखिक आदेश दिए गए हैं, लिखित में भी टेंडर जारी किया गया था? सर, लिखित तो हमको पता नहीं, मौके पे ही हमको बोला था, हमने उसी से बोला था कि हम आपको इमरजेंसी में मशीन दे देंगे। कल हम आए थे यहाँ पे कल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायत का गांव है, अलवर के पास। तो चिड़वा ग्राम पंचायत में आपको कितने हैंडपंप लगाने के लिए कहा गया है? साहब, फिलहाल में तो 3 उनकी बोला था साहब, ये तो हमें
लगा दिया यहाँ मौके पे, दो मौके और दिखाए नहीं साहब हमको। तो कुल मिलाकर तीन हैंडपंप आपको लगाने हैं चिड़वा ग्राम पंचायत जी। सर ये है जिसकी शिकायत हुई है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पास है नहीं है, क्या है क्या नहीं। फिर आप किस लिए आए हैं सर आज मौके पर? मौके में SDM साहब ने मोबाइल किया था, सुनील गड़ी जी ने मौके किया था कि भाई वो हैंडपंप नया खोद रहे हैं। SDM साहब ने मौके पर जाकर आपको जांच करने के आदेश दिए हैं, बिना कागज के आप जांच कर रहे हैं, क्या आप अधिकारियों को खानापूर्ति करके बचाने के लिए आए हैं? जांच कमेटी को सारे कागज दिए हुए हैं जो जांच करनी है उन्हें। तो आप किस लिए आए हैं सर मौके पर? हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप मौके पर आए बिना कागज के आए, सिर्फ क्या यहाँ दर्शन करने आए हैं, सरकारी गाड़ी के लिए घुमाने के लिए आए, दुरुपयोग करने के लिए आए, किस लिए आए हैं आप? मेरे पास इस तरह कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसकी मैं जांच कर पाऊँ भाई क्या एप्लीकेशन। आप बिना एप्लीकेशन के सर मौके पर क्यों आए हैं? बिना एप्लीकेशन के जांच के मौके पर ही क्यों आए हैं? फिर आपको आना ही नहीं चाहिए था, बिना जांच के बिना कागज के आप मौके पर ही क्यों आए? मैंने आपको कहा था कि मैं आऊंगा अपनी मर्जी से, आप तो मेरे को जबरदस्ती ले आए वहां से। हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, कागज लाऊं उसके फाइल ले आऊं, जांच कमेटी को कहूं आप तो भाई वहाँ चलो हमारे साथ चलो, आपको चलना ही पड़ेगा। तो कल अगर जांच कमेटी आकर इसको देखेगी तो मौके पर हैंडपंप मिलेंगे उन्हें, तो इसका मतलब ये है सरकारी अधिकारी जो इस कार्य में संलिप्त है, जिन्होंने इस पैसे को पास कराया है, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सीधी सीधी बात यही है। नहीं बचाने की, सब जांच कमेटी बनाई हुई, बिना कागज के आप जांच के लिए, बिना कागज के लिए आप जांच पे आ रहे हैं, इसका मतलब तो साफ जाहिर होता है कि आप अपने जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त है इस कार्य में, उन सभी को बचाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। कोई अधिकारी वो नहीं है साहब, जांच निष्पक्ष होगी,